माता बिना भाई की गोद में 14वीं संतान के रूप में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है, जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। बाला साहब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि छुआछूत, गुलामी, स्त्रीस्त्रा, रमजान, पाखंड में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। यह सब देख कर बाबा साहब को बहुत कष्ट हुआ और समाज को रुलाने की जंजीरों से छुड़ाने की कसम खा लेते हैं और आंदोलन को छेड़ देते हैं। हमारे बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में एक ऐसा राज्य स्थापित हो ताकि सभी लोग को अन्न मिले और सभी लोग को पानी मिले, कोई छोट बहुत ऊंच नीच जाति पात और भेदभाव न रह जाए। जिस दिन इस देश से जातिवाद ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा, उस दिन से यह देश सुना सोने की चिड़िया हो जाएगी। इसलिए